What's up, YouTube family? This is Abhinav Mahajan, and this is one of the most awaited videos, the most scientific way to train your back. अगर आपने मेरी पूरी साइंटिफिक सीरीज नहीं देखी है, मैंने बाइसेप्स के ऊपर, ट्राइसेप्स के ऊपर, चेस्ट के ऊपर, शोल्डर्स के ऊपर, ट्रैप्स के ऊपर पूरी साइंटिफिक सीरीज बनाई है. अगर आपने पहले वो नहीं देखी है, वो जाके देखिए. प्लेलिस्ट बनी हुई है मोस्ट साइंटिफिक वर्कआउट्स, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है. तो चलिए शुरू करते हैं मोस्ट साइंटिफिक वे टू ट्रेन योर बैक. सबसे पहले जब बैक को ट्रेन करना है, बैक की एनाटॉमी जानना जरूरी है. अब हम बैक को चार पार्ट्स में डिवाइड करने वाले हैं. सबसे पहला पार्ट होगा अपर ट्रैप्स फॉर द अपर बैक थिकनेस, उसके बाद लोअर ट्रैप्स फॉर द मिडिल बैक थिकनेस, उसके बाद हमारा लैटिसमस डॉर्सी यानी कि लैट्स फॉर दैट वी टेपर लुक, एंड उसके बाद में सबसे एंड में आएंगे हमारे लोअर इरेक्टर स्पाइने यानी कि हमारी लोअर बैक फॉर दिस क्रिसमस ट्री शेप. अब इन सब के अलावा हमारे एक और बहुत क्रूशियल पार्ट है रोम्बॉइड्स, जो आपके पॉस्चर और शोल्डर हेल्थ में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है. इस रोम्बॉइड्स को किस तरह स्ट्रेंथन करना है, किस तरह टारगेट करना है, इसके ऊपर मैंने पूरी एक वीडियो बनाई है. पहले वो वीडियो आप प्लीज जाके देखिए, उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूं. अब इससे पहले कि हम शुरू करें एक्सरसाइजेस के साथ, सबसे पहले कुछ टिप्स देना चाहता हूं जो आपने याद रखनी है कोई भी रोइंग मूवमेंट या लैट्स की या बैक की कोई भी एक्सरसाइज लगाने से पहले. सबसे पहली टिप जो है कि आप जब भी कोई रोइंग मूवमेंट लगाने लगे हैं, उसमें क्या करना है कि अपनी बाजुओं से खींचने की बजाय यू हैव टू इमेजिन कि आप अपनी एल्बो से उस पर्टिकुलर हैंडल को या किसी भी ग्रिप को खींचने की कोशिश कर रहे हैं. उससे क्या होगा कि आपकी जो बैक है वो ज़्यादा एक्टिवेट होगी और आपके बैक से माइंड मसल कनेक्शन बहुत अच्छा बनेगा. जो सेकेंड टिप है, कोई भी रोइंग मूवमेंट या पुल डाउन मूवमेंट करने से पहले अपना याद रखना है कि अपना स्कैपुला रिट्रैक्ट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जैसे ही आप अपना स्कैपुला रिट्रैक्ट करेंगे, एक तो आपकी शोल्डर हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होगा, एक आपका स्कैपुला स्ट्रेंथन होगा, और जैसे मैंने बोला माइंड मसल कनेक्शन और बैक पे पूरा हिट हो सकेगा. अब स्केपुला रिट्रैक्ट कैसे करना है, अपनी बाजुएं ऊपर उठाइए, राइट, ये मैंने पहले भी बताया हुआ है, बाजुएं ऊपर उठाइए और कुछ भी पुल करने से पहले सबसे पहले अपने शोल्डर ब्लेड्स को एक साथ स्क्वीज कर लेना है. ऐसा इमेजिन कीजिए जैसे आपने शोल्डर ब्लेड्स के बीच में एक फ्रूट रखा है या कोई भी गोल चीज रखी है और उसको आप स्क्वीज कर रहे हैं. इसको स्केपुला रिट्रैक्ट करने के बाद आप पुल करेंगे. लास्ट एंड द फाइनल मोस्ट स्टेप इज कि आप कोई भी बैक की मूवमेंट, कोई भी रोइंग मूवमेंट, पुल डाउन मूवमेंट करने से पहले जो ग्रिप आपकी होनी चाहिए, आपकी फॉल्स ग्रिप होनी चाहिए यानी कि आपकी जो थम्स हैं वो बार के या रॉड के ऊपर होना चाहिए. इससे क्या है, आपके बाइसेप्स की इन्वॉल्वमेंट कम होगी और आपके लैट्स, बैक और ट्रैप्स की एक्टिवेशन ज़्यादा होगी. अब सबसे पहली जो एक्सरसाइज है, बहुत ही ज़रूरी एक्सरसाइज, कंपाउंड मूवमेंट, और यहाँ पर मैं लेने वाला हूँ रैक पुल्स को. मैं डेडलिफ्ट्स को नहीं ले रहा हूँ एज अ मोस्ट कंपाउंड मूवमेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपाउंड मूवमेंट बैक के लिए. हालांकि जो डेडलिफ्ट है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट मूवमेंट है. मैं इसलिए इसको नहीं ले रहा हूँ क्योंकि बहुत लोग जो है डेडलिफ्ट को बहुत ही गंदी फॉर्म से लगाते हैं और जब वो हैवी उठाने लगते हैं तो इंजर हो जाता है. लेकिन रैक पुल्स इज अ मच सेफर वे टू टारगेट योर कंप्लीट बैक. इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट कंपाउंड मूवमेंट जो आपके बैक के सभी मसल्स को हिट करती है, आपके अपर बैक, लोअर बैक, आपके मिडल बैक और इवन की लैट्स को हिट करती है. तो आई हाईली सजेस्ट कि आप रैक पुल्स को सबसे पहली एक्सरसाइज रखें आपकी बैक की रूटीन में. अब इसको लगाना कैसे है, सबसे पहले जो आप रैक के ऊपर खड़े होने वाले हैं, याद रखना है जो बारबेल है वो आपके नीज के लेवल या उससे थोड़ा सा नीचे आए. अब जब एक बार वो चीज़ होगी तो आपने याद रखना है कि आपने रॉड के साथ अपने नीज को या जो भी आपका बॉडी पार्ट है लेग्स का उसको टच करवाना है. उसके बाद आपने ओवरहैंड ग्रिप लेनी है, आप रिस्ट रैप्स भी यूज कर सकते हैं, और जैसे ही आप उठाने वाले होंगे यू विल ब्रीद इन, एंड उसके बाद आपने इस तरह इमेजिन करना है जैसे आप रॉड को बाहर की तरफ क्रश कर रहे हैं. तो जैसे आप रॉड को पकड़ेंगे तो रॉड को बाहर की तरफ क्रश करेंगे तो उससे क्या होगा, आपके लैट्स एक्टिवेट हो जाएंगे, और जैसे ही आपके लैट्स एक्टिवेट होंगे अपनी पूरी बॉडी को टाइट रखते हैं उसी पोजीशन में, अपने हेड को न्यूट्रल पोजीशन में रखना है और अपनी बैक के साथ उसको पुल करना है अपवर्ड्स. और एक बार आपने अपने जब ग्लूट्स को स्क्वीज कर लिया वो आपकी एंडिंग मूवमेंट होगी. अब धीरे धीरे आपने सांस को छोड़ना नहीं है, उसी तरह आपने नीचे आना है, एंड वंस अगेन यू विल स्टार्ट अगेन. बार को स्क्वीज करना है पूरी पोजीशन में, पूरी थ्रू आउट द मूवमेंट में ऊपर जाना है, एंड देन स्लोली यू विल कम, यू विल फील अ ग्रेट एक्टिवेशन ऑफ योर लैट्स, आपकी लोअर बैक, इवन योर अपर ट्रैप्स. अब रैक पुल्स के लिए यू विल बी डूइंग 3 sets फॉर 6 to 8 repetitions. So this is a very important movement and the number one movement for hitting the complete back. याद रखिए कि इस पूरी movement के दौरान अपने core को tight रखिए, और please अगर heavy weight उठा रहे हैं तो I would highly suggest कि आप wrist wraps को use कीजिए. Now the second most important movement for back is pull-ups. Now pull-ups
जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपाउंड मूवमेंट है आपके अपर ट्रैप्स को हिट करने के लिए और आपके लैट्स और रोमबॉइड्स को हिट करने के लिए. इट्स एन इम्पॉर्टेंट मूवमेंट इवन कि जो आपके छोटे मसल ग्रुप्स हैं बैक के, जैसे कि टेरेस माइनर और इंफ्रास्पाइनेटस, जो आपके स्टेबलाइजर्स हैं, जो आपके शोल्डर हेल्थ को इम्प्रूव करते हैं, शोल्डर हेल्थ में उनका बहुत बड़ा रोल होता है, उसको स्ट्रेंथन करने के लिए भी पुलअप्स बहुत ही ज़रूरी हैं. पुलअप्स और चिनअप्स में से पुलअप्स जो है वो बेटर हैं. और क्यों? क्योंकि उसमें आपके बाइसेप्स की एक्टिवेशन कम होती है, आपके लैट्स और आपकी बैक की एक्टिवेशन ज़्यादा होती है. इसके अलावा याद रखना है कि जब आप पुलअप्स लगाने लगे, जैसे मैंने बताया था कि एक फॉल्स ग्रिप अगर लेंगे वो ज़्यादा बेटर रहेगा, और अपने स्कैपुला को डिप्रेस करने के बाद अपने आप को ऊपर पुलअप करेंगे तो वो ज़्यादा आपके लैट्स और बैक की एक्टिवेशन करेगी. ऑल्सो दिस इज़ एन इंपॉर्टेंट कंपाउंड मूवमेंट क्योंकि यहाँ पे आप प्रोग्रेसिवली ओवरलोड कर सकते हैं. एक बार आपने पुलअप्स लगाना सीख लिया है प्रॉपरली तो उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, आप एक वेटेड बेल्ट या डंबल अपने पैरों में रख सकते हैं और उससे वेटेड पुलअप्स कर सकते हैं. पुलअप्स के आप लगाएंगे 3 sets for 6 to 8 repetitions एंड इट इज द सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज फॉर हिटिंग आर बैक. अगर आपसे पुलअप्स नहीं हो पाते हैं तो यू कैन डू असिस्टेड पुलअप्स या बैंडेड पुलअप्स. अगर आप चाहते हैं कि मैं पूरी वीडियो बनाऊं कि पुलअप्स किस तरह ज्यादा कर सकते हैं आप, तो प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखिए कि वी वॉन्ट अ वीडियो ऑन पुलअप्स एंड आई विल मेक अ वीडियो फॉर यू. Now the third most important exercise is a rowing movement and I personally prefer T-bar rows. अब T-bar rows जो है आपकी mid back को hit करने के लिए एक perfect exercise है, लेकिन इसमें याद रखिए आपकी form जो है वो बहुत ही सही होनी चाहिए, तभी आप अपने mid back को activate कर पाएंगे, नहीं तो आप अपनी upper back और lower back के ऊपर ज़्यादा stress डालेंगे. तो इसको करना कैसे है, आपने सबसे पहले एक स्क्वाटेड पोजीशन में जाना है, एक वी ग्रिप हैंडल को पकड़ना है. स्क्वाटेड पोजीशन में जाने के बाद आपने अपने स्कैपुला को रिट्रैक्ट करना है और डिप्रेस करना है. उससे क्या होगा, आपके जो बैक है वो एक्टिवेट हो जाएगी. उसके बाद आपने स्क्वाटेड पोजीशन में ही थोड़ा सा खड़े होना है, अपनी नीज को थोड़ा बेंड रखना है, हेड को न्यूट्रल रखेंगे और जो हेड है और जो आपकी बैक है वो अलाइंड रहेगी एक ही पोजीशन में. और अपनी एल्बोज को मूव करना है पहले, रादर देन अपने हाथों को, अपनी एल्बोज के थ्रू पुल करते हुए अपनी बैक तक लेके आना, और जो प्लेट्स होंगी वो समवेयर अराउंड आपकी चेस्ट के नीचे हिट करेगी. उससे क्या होगा, आपकी मिडल बैक स्क्वीज होगी और उसी तरह धीरे धीरे आपने नीचे आना है. तो आप मशीन सीटेड रोज भी कर सकते हैं, आप सिंगल आर्म सीटेड रोइंग भी कर सकते हैं, आप चेस्ट सपोर्टेड रोज भी कर सकते हैं, बट आई रिकमेंड कि अगर टी बार रोज है देन स्टिक विद दैट बिकॉज इट्स एन इंपॉर्टेंट कंपाउंड मूवमेंट जो आपके मिडल बैक को बहुत ही अच्छी तरह हिट करने वाली है. अब टी बार रोज के लिए आप लगाएंगे 3 sets for 8 to 10 repetitions. Now the next and the most important exercise जो आपके lats आपको V taper देने में help करेगी और वो है lats pull down. अब जो pull-ups हैं, it's a great movement for lats, लेकिन because it's a compound movement उसमें और muscles भी involved होते हैं, लेकिन जो lats pull down machine है that is going to actually help you to isolate your latissimus dorsi and your lower traps. अब इसको लगाने के लिए याद रखना है, सबसे पहले तो आपने फॉल्स ग्रिप अगर लेंगे तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा, उससे आपके लैट्स जो है एक्टिवेट होंगे ज़्यादा. और इसके अलावा लोग पूछेंगे कि अंडर हैंड ग्रिप इंपॉर्टेंट है, क्लोज ग्रिप इंपॉर्टेंट है, वाइड ग्रिप इंपॉर्टेंट है. आई वुड से कि आप शोल्डर विड्थ से थोड़ा सा अगर वाइड लेके चलेंगे इट वुड एक्टिवेट योर लैट्स बेटर. अब इस एक्सरसाइज में आपको एक और क्यू देने वाला हूं कि जब भी आपने लैट्स पुल डाउन लगाना है तो आप थोड़ा सा स्लाइटली लीन बैक कीजिए, ज्यादा लीन बैक भी नहीं करना है, अपनी लोअर बैक को इन्वॉल्व मत कीजिए और झूलना मत शुरू कर दीजिए बैक लगाते हुए, लेकिन आप स्लाइटली लीन बैक रहेंगे उससे जो है आपके लैट्स की एक्टिवेशन ज्यादा होती है. यू विल यूज अ फॉल्स ग्रिप, ब्रिंग इट टू योर चेस्ट, स्क्वीज योर लैट्स एंड स्कैपुला टुगेदर एंड देन गो बैक. सो इस तरह आप लगाएंगे लैट्स पुल डाउन और इसके आप लगाने वाले हैं 3 sets for 8 to 10 repetitions. Now comes the last exercise और वो है हमारी lower back के लिए जिसको हम बोलते हैं weighted lower back extensions. अब ये जो exercise है ये बहुत important movement है, बहुत सारे लोग लगाते भी है जिम में बट बहुत ही गलत तरीके से लगाते हैं. वो अपनी back को hyper extend कर देते हैं जिसकी वजह से उनकी back में है ज़्यादा stiffness आ जाती है, injury होने का डर होता है. लेकिन अगर आप इसको प्रॉपरली लगाएंगे तो आपको वो क्रिसमस ट्री शेप जो बैक है वो भी मिलेगी और आपकी जो कोर है यानी कि आपकी लोअर बैक है वो भी स्ट्रांग होने वाली है. याद रखना है इसमें करना किस तरह है, चाहे आप वेटेड कर रहे हैं या बिना वेट्स के कर रहे हैं, आपने एक न्यूट्रल पोजीशन तक आना है. राइट, आप नीचे जाएंगे बिल्कुल न्यूट्रल पोजीशन, आपका जो हेड है वो न्यूट्रल रहेगा, टक्ड इन रहेगा,
उसी पोजीशन में नीचे जाएंगे और उसी पोजीशन में आप जैसे ही ऊपर आकर न्यूट्रल पोजीशन तक आएंगे, यानी कि आपके जो हिप्स हैं, आपकी बैक है और आपका नेक है जो है एक ही अलाइनमेंट में आ जाएंगे, वहां पर आपने रुक जाना है। अपनी बैक को हाइपर एक्सटेंड नहीं करना है, नहीं तो आपके इंजरी के चांसेस हो सकते हैं, हाइपर एक्सटेंशन लॉर्डोसिस या आपको स्टिफनेस बहुत ज्यादा हो सकती है। तो ये जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। अब जो हमारा लोअर बैक है उसके लिए हम रेपिटेशंस थोड़े हाई रखेंगे, तो इसके लिए हम लगाने वाले हैं 3 sets for 12 to 15 रेपिटेशंस। आई होप गाइस दिस वाज अगेन अ यूजफुल वीडियो फॉर यू, आपको कुछ नया सीखने को मिला। ऑल्सो एक सैम्पल वर्कआउट है जिसका PDF मैं डाल दूंगा लिंक में, आप जाके इसको डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपने मेरी पुरानी सीरीज नहीं देखी है बाइसेप्स ट्राइसेप्स चेस्ट शोल्डर्स ट्रैप्स के ऊपर, वो जाके देखिए, प्लेलिस्ट बनी हुई है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। प्लीज कमेंट डाउन बिलो आपको वीडियो कैसी लगी, सब्सक्राइब टू द चैनल, लाल बटन पे क्लिक कीजिए, साथ में बेल आइकन है उस पर क्लिक कीजिए, क्योंकि वो जो बेल आइकन है उसी की वजह से आपको नोटिफिकेशन जाने वाली है। और इससे नेक्स्ट हम लेग्स वर्कआउट के साथ आने वाले हैं। फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, डूइंग अ फ्री गिव अवे वेरी सून, यूजर नेम इज अपना फिटनेस। Thank you so much for your love and support. It means a lot. हम 4 lakh की तरफ बढ़ चुके हैं and we are soon gonna hit 5 lakhs also. And thank you for your love and support. I'm gonna see you very soon. Till next time with more informational videos. Keep going, keep growing stronger.